देखिए अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने उम्मीदवारों के साथ अपने सपोर्टर्स के साथ बैठे हैं और हम जहां खड़े हैं ये बाड़मेर ग्रामीण का इलाका है जहां पर आज फोरम खैराराम सुथार बाड़मेर ग्रामीण पंचायत से सरपंच उम्मीदवार और 36 कमों का मेरे को साथ है। मैंने नामांकन भरा है और पूरी जो जनता की समस्या है उसका समाधान करूंगा। बिजली है, पानी है, रोड है, शिक्षा है और बाड़मेर की सबसे बड़ी जो पंचायत नजदीक है सिटी के उसके अंदर नालियों की बड़ी समस्या है उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और जो अन्नपूर्णा में जो गरीब बचे हुए हैं खाद्य सामग्री में उनके नाम जुड़वाऊँगा और सबका विकास करूँगा मेरी पंचायत का और पंचायत में नशा मुक्ति भी करने का पूरी तैयारी करूँगा। और कहाँ से आते हैं आप? बाड़मेर ग्राम। तो आज समर्थकों के साथ आए, किस प्रकार की तैयारी और क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सतीश कुमार का सहयोग है, पिछली बार भी मैंने सहयोग रहा सबका। ऐसा क्या काम बाड़मेर ग्रामीण में जो रह गया जो आप अब करना चाहते हैं, ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे? कई मुद्दे ऐसे जो सड़कें, पानी वगैरह ऐसे जगह खड़े पड़े हैं, कोई विकास नाम की चीज़ वही नहीं है। तो कितने दिन से तैयारियां चल रही है इसको लेकर? पिछली बार का पाँच साल से। नहीं तो आपने ऐसा जब जनता से वोट मांगने जाएंगे उसमें क्या बात कहेंगे कि जनता को भी अपने मुझे वोट दो, मैं आपके लिए सही सरपंच हूँ? जनता ने चाह कर भी खड़ा किया है। नहीं नहीं ये दूसरी चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का विकास है। कितने वोटर है? 68। तो आज आप अपने जो उम्मीदवार है उनके साथ आए, तो किन मांगों को लेकर इस बार आप वोट करेंगे? हमारी मांग ये है कि जो हमारे एरिया की सीमा है वो बहुत लंबी है और पिछले और उससे पिछले 10 सालों के अंदर विकास नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ना कोई नाली बनी है, ना कोई सड़क बनी है, ना कोई रोड लाइट है, जबकि हम सब पट्टा छोटा मेंबर्स हैं और UIT टैक्स भर रहे हैं, पट्टे लिए हुए, फिर भी हमारे यहाँ नाली नहीं, सड़क नहीं और रोशनी नहीं और पानी पीने की किल्लत है, हम टैंकरों से पानी डलवा रहे हैं। इसलिए हमने इनको हमारे युवा साथी खैरा जी प्रजापत को सभी ने तैयार किया है, ये पिछले बार भी चुनाव लड़े थे। बड़ा मुद्दा ये है कि जो आपका एरिया है वो शहर से सटा हुआ, नगर परिषद से सटा हुआ है, तो इसको नगर परिषद में कन्वर्ट करने के लिए आप तैयार हो? आपने बीच में बात काट ली। दूसरी हमारा ये है कि आज हमारे साथ हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम सरपंच का चुनाव कर रहे हैं जबकि हमारा मौलिक अधिकार है वो पार्षद का चुनाव करने का होना चाहिए था, लेकिन किसी कारणवश या राजनीतिक झगड़े के अंदर फंस के और हम इसे वंचित रह गए हैं। जो हमारे सरपंच के उम्मीदवार है खैराज जी प्रजापत, इन्होंने हमारे पूरी जनता को ये विश्वास दिलाया है कि इस मांग को मैं जोर शोर से आगे उठा के और मेरे कार्यकाल के अंदर आपकी ये मांगे हैं वो पूरी करवाऊंगा। इस उम्मीद से हम इनके साथ आज पूरे मोहल्ले के हर जाति वर्ग और 36 कौम के लोग इनके साथ समर्थन हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो सिटी का सारा पानी है वो सब ग्रामीण में आके घुस जाता है और वहाँ मच्छर भी बहुत होते हैं, बुलबुल भी होते हैं, तो समस्या तो रहती है। सड़कों की कोई व्यवस्था है नहीं, नालियों की कोई व्यवस्था है नहीं, तो लाइटों की व्यवस्था नहीं है, फिर व्यवस्था तो सारी की सारी जहाँ है वहाँ ही पड़ी है। इतना आज़ादी के साल हो गए, विकास हुआ है कुछ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ विकास के नाम पर वोट लेते हैं और 5 साल ऐसा आराम करते हैं और वापिस 5 साल के अंदर मैं आता से कि भाई हमारे को वोट दो, वोट आपको, आपने कोई विकास करवाया तो वोट तो आपको सब पब्लिक देंगी, ये हम थोड़ी एक के पीछे थोड़ी पब्लिक गर्म गाड़ियों का पानी पाइपों गंदा पानी पीना। इतने साल में विकास हुआ है गांव का? विकास भी न सुनना भी। अच्छा, वोट लेने के बाद में जब जीतता है सरपंच वापस कभी कभी नज़र आता है या नहीं आता? ये आते, अरे भाई ये आते ही।
से क्या उम्मीद है आपको? सरपंच गांव का मुखिया होता है, सरपंच सुख दुख में साथ देते हैं गांव के विकास में। गांव के विकास के अंदर कितना बड़ा सरपंच का योगदान होता है? सरपंच का जितना प्रधानमंत्री का देश के लिए होता है उतना गांव के लिए सरपंच का होता है। अच्छा, और गांव के अंदर क्या समस्याएं होती है? गांव की मूलभूत सुविधा जैसे समस्या जैसे सड़क है, पानी की समस्या होती है, रोजगार की समस्या है। हमारे इधर ग्रामीण में मजदूरी जो जो नरेगा चलती है उनका खूब विकास हुआ है, मजदूरों के लिए खूब काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए आवास, सड़क, पानी सभी सुविधाएं। क्या विकास होना चाहिए, क्या वादा होना चाहिए और किस तरीके का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं सर? हम हमारे लिए एक युवा सरपंच आते हैं जो मैं वैसे कैराज राम जी के समर्थन में आया हूँ, और युवा उम्मीदवार जो पूरा राजनीति का नॉलेज हो और पहुँच हो और पूरे अपने एरिया का पूरा विकास करे और हर काम में हर समय। आपके इलाके की जो जहाँ रहते हैं वहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे रोड की बहुत प्रॉब्लम है और नाली नहीं है और रोड लाइटें नहीं हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे जो आज के टाइम में सरपंच का कितना बड़ा रोल होता है अपने गांव के विकास में? सर, सरपंच ही जो ग्राउंड लेवल से काम करता है, वही अपनी सब एक टच रहता है पूरा पब्लिक से, वही दुख दर्द जानता है, तो बिल्कुल ठीक। समस्या आए और क्या करेंगे अपनी जनता के लिए? जनता के लिए बहुत करना चाहते हैं। क्या क्या जैसे क्या समस्या है आपके ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत की रोड नहीं। हाँ ठीक है, एक ही गंदा नाला बेरा तालाब के अंदर जा रहा है। हाँ फर्स्ट तो ये होगा कि बिल्कुल तालाब हम पहले पानी पीते थे, अभी बिल्कुल गंदा नाला है अंदर, ठीक है, और रोड है नहीं, बिल्कुल रोड नहीं है। और लाइट और पानी की क्या समस्या? नहीं, लाइट भी लाइने बिछी हुई है जो ये 32 नंबर में एक नंबर में बिछी हुई है, 4 साल में अभी तो लाइन जुड़ी नहीं है, लाइन तो पहले बिछी हुई। अभी जो सरपंच है उसने कुछ विकास किया गांव का? कुछ नहीं किया। क्या वादा किया था? वादा तो बहुत करते हैं, वादा तो बहुत किया। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? हमारी तो रही थी कि हम तो बनेंगे पूरा पूरा काम करेंगे। तो आपका जो क्षेत्र है वो नगर परिषद के क्षेत्र में भी आता है, तो उसको उसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल रोड है, लाइट है, नगर पालिका है, काम करेंगे, रोड को करेंगे। क्या नाम है आपका और कौन सा क्षेत्र है आपका? मेरा क्षेत्र है ग्रामीण दानजी की होती ग्रामीण पंचायत 1981 से लेकर के आज दिन तक संचालन कर रहा हूँ। अच्छा, जब अमृतलाल नाटा खड़े हुए थे नी, जी जी, उस दिन से राजनीति में राजनेता ऐसा कोई नहीं, चाहे मेवाराम हो, चाहे पिंडित जी हो, चाहे हेमाराम हो, वो मेरी बात सुनो, वो किस लोग चीज के हैं कि जिस आदमी का कार्य होता है, जिस आदमी का संचालन होता है, जिसके जूते में दम और डोले में रंग, वो MLA हम, समझ गए? ये हमारी पंचायत है, इसमें एक गाड़ी है, 13 TT है। अब मूल निवासियों का तो पत्ता ही नहीं है, उनके घर का पत्ता ही नहीं है, जो बाद में रिश्तेदार में से जो गांव में भगा के भेजते हैं, वो यहाँ सिरपुस बिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, इस गेट से बढ़ते उस गेट से निकल जाते हैं। अब सिरपुस 11 खड़े हैं, अब सिर्फ एक मिलने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि आप 1981 से यहाँ सरपंच वोट करवा रहे हैं, उनके साथ कार्य करता है, तो आपको अब तक ऐसा क्या लगा जो आपके क्षेत्र में काम नहीं हुए, अब आप क्या करवाना चाहते हैं? आते हैं जो कहते हैं आप गांव के जागीदार हो, रिश्तेदार आ जाते हैं सपा वाले, क्या नहीं इसको हक दियो तो दे दो, इसको दे दो। अब हमने कमर कसी है कि हम खुद तैयार है, क्या वोट नहीं है तो हमारी भूमिका और धरा हमारी है, इस मिट्टी में जिल में है, मिट्टी के कण के हकदार हम हैं, हम हमारा जवाब लेंगे। आपने अभी बताया कि 1981 से मैं चुनाव देख रहा हूँ, ठीक है, उस चुनाव में आपने पहले की राजनीति में अब की राजनीति में कितना फर्क है? आप बहुत ज्यादा, जब हम भी जागृत हुए ठकराइए मुँचे जब कराइए क्या फर्क आपको क्या लगा? नजर क्या है? फर्क क्या नजर आया है कि जागृत सब हो गए और कुछ मोबाइलों पे बच्चे और ये चलाना सीखे, जब देखे कि दूसरे आते हैं और आपका नाम बदनाम करते हैं, इसलिए हमने इस जंग के अंदर जाज को घेरा है। अब हमारा कर्तव्य और हमारा कार्य मंजिल तक पहुंचाने वाला हम भविष्य को देख रहे हैं। पहले की राजनीति सही थी, अब की राजनीति सही? अब की राजनीति सही है, पहले सही नहीं थी। क्यों? कोई लोग पुकार करते नहीं, पहुंचते नहीं थे, क्या मेवाराम जी को कह दिया फाइल कटाराम घेर दी, के पिंडित जी को कह दिया कटाराम घेर दी, काम किसका का? शत्रु सिंह का। और रो रो के वापिस चला जाता अनपढ़, किसके पास जाए? किसके पास जाए, सही बात है। अब मीडिया ने
मोबाइल ने और पढ़ी लिखी युवाओं ने उसको आकर्षित करके जागरूक कर दिया। अब घर घर मोदी है, हर हर मोदी है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र से हो? ग्रामीण क्षेत्र से। तो आज नामांकन हो रहा है, महिलाएं बहुत कम दिख रही है, जागृत नहीं है क्या है? नहीं, सब जागृत है, लेकिन सुबह आए थे 12 बजे तक थे, उसके बाद चले गए। आपने भी आवेदन किया? हाँ जी, मेरी बच्ची खड़ी है इधर, मेरी लड़की खड़ी है 22 नंबर वार्ड से। तो क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाएंगे आप? सेवा, सेवा में जाएंगे, उनके जो होंगी, जो मेरी सेवा होंगी सब करवाएंगे, जो हमारी सेवा होगी वो हम 5 साल में सब कुछ करवाएंगे। क्या रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी, जो जो मुद्दे जो इतने सालों से पेंडिंग पड़े हैं या फिर जो अटके पड़े हैं? पेंडिंग तो सब नेता आते हैं, सब जाते हैं, जो पेंडिंग तो पेंडिंग ही रहता है। कौन सा नेता आके पूरा काम किया, सभी आते चले जाते हैं। ठीक, आपको ऐसा अब क्या जरूरत लगी कि महिलाओं को इस सरपंच पद के लिए या चुनाव में आगे आना पड़ा, ऐसा क्या आपको लगा कि अब आप वो कर सकते हैं? हमारे क्या, पहले हमारी महिला थी वार्ड पंच, वो अनपढ़ थी, उसने कुछ नहीं करवाया, नहीं उनको चयन करना आता था, नहीं उसको कुछ नहीं। हम भी उसके लिए हमने पूरा 5 साल धक्का ठोक ठोक के चलाया, और अभी दोबारे हमारे लड़की, हमारी खुद, मेरी खुद की लड़की खड़ी है, वो 8वीं क्लास पास है, और उसको भी हमने खड़ा किया है। दूसरा और भी है, हमारे लड़का है मेरे खुद का छात्र का, वो 12वीं क्लास का, वो भी खड़ा है। जनता वोट देगी, जनता जिताएगी, और उसके बाद में हमको क्या काम करवाना है हम देखेंगे।